हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग एक्सरसाइज 6D जो अलजेब्रा का स्टार्ट किए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सपेन। अब ये एक्सपेन जो भी है a प्लस b डी होल स्क्वायर या a माइनस b डी होल स्क्वायर पे है। तो सबसे पहले हम लोग तो ये जानते हैं a प्लस b डी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कहीं अरेंज कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसी तरीके से भी लिख सकते हो। तो देखो, क्वेश्चन जो हमारा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, 8a प्लस 3b डी होल स्क्वायर। ओके, यहाँ बाबू देखो, ए की जगह पे ये टोटल ए और ये टोटल क्या है बी, तो ए स्क्वायर, तो ए 8a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ए की जगह क्या है 8a, बी की जगह क्या है 3b प्लस बी स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर। अब क्या लिखोगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ए स्क्वायर प्लस 8 2 जा, यहाँ पे 8 2 16, 16 3 48, 48 ए बी प्लस 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 64 ए स्क्वायर प्लस 48 ए बी प्लस 9 बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4, ए बाई 2 प्लस 2a का होल स्क्वायर करना है। फिर ए की जगह पे क्या है a बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बाई 2 इंटू 2a। ओके, प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 2a d होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखोगे, a का स्क्वायर अपॉन 2 का भी तो स्क्वायर होगा 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू a 2a बाई ए, ए से ए कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए से ए भी कट गया, क्या हुआ 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया रिजल्ट। इसी में का क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फिर इसे सॉल्व कीजिएगा, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये है 3x by 4 plus 2y by 9 the whole square। फिर देख लो यहाँ पे, ये total a, ये total b, तो a square 3x by 4 the whole square plus 2 into a 3x by 4 into 2y by 9 plus b square, b के जगह पे क्या है 2y by 9 the whole square। अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9, x का भी तो स्क्वायर होगा ना, अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, x y अपॉन 9। अब देखो बाबू यहीं पे देख लो क्या कर लोगे, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xy by 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब जरा देखो ये माइनस वाले में, सब जगह जो a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानता है वो बना लेगा। तो देख लो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जानते हैं। तो इसी पे ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर दी होल स्क्वायर, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर पे है, एक्स स्क्वायर वाई दी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर का स्क्वायर। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स के पावर 4 वाई का स्क्वायर माइनस 2
एक्स स्क्वायर, वाई में वाई से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड के पावर 40, ये हो गया आंसर। ठीक, ये भी देख लीजिए ये क्वेश्चन, अब ये तो आप बना सकते हो, ये क्वेश्चन देख लो एक, इसे आप लोग एक्सपेंड करोगे, जैसे हो गया 3m माइनस 4 बाई 5n डी होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 3m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m इंटू 4 बाई 5n प्लस 4 बाई 5n डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 4 जा माइनस 24 बाई 5 mn प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, n का स्क्वायर n स्क्वायर, इस तरीके से आप एक्सपेंड कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल, कल तो छुट्टी रहेगा, कल ऑनलाइन, कल और परसों ऑनलाइन क्लास, मैं तो मतलब और लोगों का तो नहीं पता है लेकिन मैं कल और परसों ऑनलाइन क्लास नहीं लेने वाला हूँ, इसलिए कल और परसों मेरा क्लास बाधित रहेगा और फिर हम लोग मंडे के दिन मिलते हैं। बाय माय डियर स्टूडेंट।